दोस्तों आज आपको लेकर आए हैं टोपराकला गांव में, और इस गांव के अंदर ये भारत का सबसे बड़ा लोहे का अशोक चक्र है। और क्या इसके बारे में खासियत है वो सब कुछ आपको बताएंगे। और ये अशोक चक्र यहीं पर क्यों बनाया गया, और अशोक चक्र का क्या महत्व है, और जो इसमें तीलियां बनी होती है, आप ये देखते हैं कि पूरी 24 तीलियां इसके अंदर है, उन 24 तीलियों का क्या महत्व है सब कुछ आपको बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं अशोका से। अशोका ने आज से लगभग 2300 साल पहले इस गांव के अंदर स्तंभ बनाया था, अशोक स्तंभ। बहुत सारे अशोक के स्तंभ हैं, यहाँ पर भी एक था। लेकिन हुआ क्या, फिरोज शाह तुगलक ने 1300 ईस्वी के अंदर यहाँ का जो अशोका का स्तंभ था उसको उठा करके दिल्ली में ले गया था, और वो स्तंभ दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान के अंदर अब भी स्थित है। लेकिन उस स्तंभ की भी एक ज़बरदस्त खास बात यह है कि वो पूरे भारत उपमहाद्वीप पर एकमात्र ऐसा अशोक का स्तंभ है जिस पर अशोका के 7 अभिलेख हैं। ऐसा कोई भी स्तंभ नहीं है जिस पर इतने अभिलेख हो, एकमात्र ऐसा वो स्तंभ है जिस पर 7 अभिलेख हैं। और ये यहाँ पर आपको दिखाते हैं जो उसका पूरा डायमीटर है, जिसे आप व्यास कहते हो, इस व्यास की लंबाई 30 फुट है, या फिर ये कह सकते हो कि एक तिल्ली की लंबाई 15 फुट है। और ये पूरा का पूरा लोहे का है जिसपे गोल्ड उस पर कलर किया हुआ है। आज से लगभग 2 साल पहले इस अशोक चक्र की स्थापना यहाँ पर करवाई गई, और पूरा बहुत ही विशाल ये अशोक चक्र है। 5500 किलो इसमें लोहा है, और इसकी कुल जो इसका वेट है वो 8000 किलोग्राम है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि ये अशोक चक्र इसी गांव में क्यों बना। दोस्तों यहाँ पर आज से लगभग 2300 साल पहले अशोक सम्राट ने स्तंभ बनाया था, अशोक स्तंभ, और वो यहीं पर था, उसकी स्थापना इसी गांव में की गई थी। लेकिन 1300 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक उस स्तंभ को यहाँ से उठाकर दिल्ली लेकर चला गया था, और वो स्तंभ इस वक्त फिरोज शाह कोटला के मैदान में स्थित है। इस गांव के लोग उस स्तंभ को अपना गौरव मानते थे। जब वो स्तंभ यहाँ से गया तो वो काफ़ी दुखी हुए, और उसके बाद द बुद्धिस्ट फोरम सोसाइटी के संस्थापक ने बहुत प्रयास किए। वो उस स्तंभ को तो वहाँ से वापस लेकर नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने इस विशालकाय चक्र की स्थापना यहाँ पर करवाई, और ये भारत का सबसे बड़ा लोहे का अशोक चक्र है। दोस्तों अशोक ने बुद्ध धर्म कैसे अपनाया, अब मैं थोड़ा उसके बारे में आपको बताता हूँ। अशोक ने पूरे भारत पर शासन किया, अफगानिस्तान का एरिया भी अशोक सम्राट के शासन में था। एक बार कलिंग युद्ध हुआ था, और उसमें लाखों सैनिक मारे गए थे। जब उसने युद्ध के बाद की स्थिति को देखा, उसने इतनी मौत देखी, इतने घायल लोगों को देखा, तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया, और उसी समय उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया, और उसने बौद्ध धर्म का प्रचार पूरे देश के अंदर करना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने बहुत सारे स्तंभ बनवाए, और उन स्तंभों पर शिलालेख लिखवाए। और आप अगर नोट करो कि अशोक के स्तंभ पर आपको इस तरह का अशोक चक्र मिलेगा, और भारत का जो झंडा है, राष्ट्रीय ध्वज है, उस पर भी आपको अशोक चक्र देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि अशोक चक्र किस चीज़ का प्रतीक है। इसे धर्म चक्र भी कहा जाता है, और धर्म चक्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर ये जो 24 तिल्लियां हैं, ये मनुष्य के 24 गुणों का वर्णन करती है, या फिर ये कह लीजिए कि 24 धर्म मार्ग की तरफ ये तिल्लियां लेकर जाती है। और अभी मैं जो 24 तिल्लियों का महत्व है वो आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों इस तरह से अशोका ने बौद्ध धर्म का प्रचार शुरू किया, और अपने शिलालेख, अपने स्तंभ बनवाए, उन पर शिलालेख लिखे, और इस समय अशोक के लगभग 40 के आसपास शिलालेख मिल चुके हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस तरह की वीडियो हम लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर क्लिक कीजिए, जब वो ब्लैक कलर का हो जाएगा तो समझ लीजिए कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। सब्सक्राइब के बगल में एक घंटी लगी हुई है, उस पर क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन तभी आपको मिलेगा अगर आप बेल आइकन पर क्लिक करोगे।